नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है जहां पर हमारी मुलाकात श्रुति राव से हुई। श्रुति राव की फिल्म आशिकी रिलीज पर है, या यूं कहूं आज रिलीज हो रही है तमाम सिनेमा घरों में। मैडम, स्वागत है आपका बिंदास भोजपुरिया में। थैंक यू सो मच। जितने भी बिंदास भोजपुरिया के व्यूज हैं सबको मेरा प्रणाम। श्रुति जी, आपकी फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है आशिकी। आप, खेसारी लाल यादव और हमारे दोस्त आम्रपाली दुबे, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर, योर रिएक्शन टू दिस। मेरा रिएक्शन बहुत अलग ही है, लाइक मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही लाइक आज तो मेरी नींद भी बहुत जल्दी खुल गई है बिकॉज आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। आशिकी रिलीज़ हो रही है जिसमें खेसारी जी हैं, आम्रपाली जी हैं, मैं हूँ। हम सबका एक, हम लोगों ने जब इस फिल्म को शूट किया था ना, तो काफ़ी चीज़ें हम लोग इस फिल्म को करते टाइम कनेक्ट किए थे। तो बस कि अभी ऐसा लग रहा है कि कितने टाइम का मेहनत, अभी रिजल्ट आने वाला है, व्यूज़ आएगा उसका और ऑडियंस का फीडबैक आएगा, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आज मेरी नींद भी जल्दी खुल गई है और मैं सच में लिटरली मैं बस ये सोच रही हूँ कि जल्दी से थिएटर से फीडबैक आना शुरू हो और बताएं लोग कि कितनी भीड़ लगी है, कितना लोग कितना इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या उनका इस पर प्रतिक्रिया है देखने के बाद। तो क्योंकि जो कि मैंने तो काम किया है, मैंने फिल्म देखा नहीं है, तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि देख के आऊँ, लेकिन जो कि मैं अभी अप्सर बिटिया शूट कर रही हूँ, तो जैसा कि मेरा मेकअप भी देख सकते हैं आप लोग, तो मैं अभी गेटअप में ही हूँ, बट अभी जस्ट ड्रेस चेंज करके जाना था, बट मैंने सोचा कि आशिकी से रिलेटेड हम थोड़ा बात कर लें तो करा जाए। श्रुति, आपने कहा कि ये जो वक्त है आज का, ये परीक्षा की घड़ी है, आज आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, आज बहुत कुछ आपके लिए आज पर डिपेंड करता है। श्रुति, आशिकी के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए, अगर श्रुति राव की मैं जुबानी सुनना चाहूँ, आशिकी की कहानी तो क्या है, मुझे ये बताइए, आशिकी फिल्म कैसी है, किरदार कैसे कैसे हैं और क्या अनुभव था श्रुति राव का शूट करने का? सी, मेरा अनुभव बहुत अच्छा था, मैं बहुत ही इंजॉय, मतलब जब मैंने ये फिल्म शूट किया था मैं बहुत चिल कर रही थी, बहुत इंजॉय। आम्रपाली दी, मैं, हम जब भी हमको टाइम मिलता था ना, जब भी हमारा साथ का होता था ना, तो हम लोग दोनों बैठ के बहुत बातें किया करते थे, काफ़ी इंजॉय करते थे शूट टाइम। और खेसारी जी तो कभी भी सेट पर आते थे तो कभी भी, मतलब उनका ऐसा साइलेंट वाला नहीं होता था, कभी आम्रपाली जी को कोई टोंट कसना या फिर मुझे, मतलब लाइक सीन से रिलेटेड, गंगा उनका नाम था, मेरा उसमें पारू था, बहुत ही मज़ा आया करके और सबका डेडिकेशन था। एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि हम लोग जब शूट कर रहे थे तो एक ऐसा सीन था कि मैं बाइक पे बैठी हुई हूँ और ट्रैवलिंग का था, तो जो बाइक खेसारी जी चला रहे थे, पीछे में बैठी हुई थी, तो उस बाइक में ना ब्रेक नहीं लग रहा था और बगल में खाई था और उनको भी नहीं पता था कि लाइक मतलब ऐसा कुछ होगा, बट हम लोग जब जा रहे थे तो ऊपर ड्रोन लगा हुआ था और आगे सारे कैमरेज लगे हुए थे और हमको 1 किलोमीटर दूर से चल के आना था बाइक से आना था, तो ऐसा स्लिप हुआ ना कि हम लोग डिसबैलेंस हो गए, खेसारी जी और मैं। एक पल को तो लगा कि भैया गए हम, लेकिन खेसारी जी ने बैलेंस किया और फिर बैलेंस करने के बाद फिर हमारे, फिर उसके बाद फाइनली बच गए, मतलब आज तो कुछ दुर्घटना ही होने वाला था, ऐसा था वो इंसिडेंट, कुछ भी हो सकता था। तो वो एक अलग मेमोरी थी। उसके बाद जब हम बैठते थे तो काफ़ी चीज़ों पे बात होती थी हमारी, हम सीन से रिलेटेड काफ़ी डिस्कशन करते थे, नहीं ये ऐसा होना चाहिए, नहीं इससे बेटर ये कर सकते हैं। और कई कई बार ना मैं, मतलब खेसारी सर और हम लोग जब साथ में काम करते थे तो मैं नर्वस हो जाती थी, क्योंकि मैं उस टाइम उतनी फिल्में भी नहीं की थी और मेरा एक्सपीरियंस भी जस्ट होते होते, सीखते सीखते, बच्चे सीखते हैं ना, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है। तो खेसारी जी ने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया, आम्रपाली दी ने तो हमेशा शुरू से लेके आज तक, वो हमेशा से आज, मतलब जितनी भी हीरोइंस हैं सभी अच्छी हैं, बट उनका एक कोऑपरेशन अलग रहा है मेरे साथ के लिए। तो आप लोगों ने वो किस्सा सुना कि खेसारी लाल यादव ने किस तरह से आशिकी की शूटिंग के दौरान एक बड़े हादसे से खुद की और श्रुति राव की जान बचाई, ये किस्सा आपने सुना सिर्फ और सिर्फ बिंदास भोजपुरिया पर। श्रुति, खेसारी लाल यादव जब सेट पर होते हैं बहुत मस्ती होती है, बहुत धमाल होता है, बहुत मज़ा आता है, माहौल बड़ा लाइट होता है। आपने तो इससे पहले भी फिल्म की थी खेसारी लाल के साथ, लिट्टी चोखा की, यस, इसी प्रोडक्शन की वो भी फिल्म थी। खेसारी लाल यादव के बारे में एक चीज़ जो सबसे बढ़िया है, कई बार मैं पूछता हूँ, वो आप श्रुति राव को क्या लगती है? खेसारी जी की एक बात जो सबसे बढ़िया है वो ये है कि वो बिंदास इंसान है, बेझिझक बेबाकी से सारी चीज़ों को रखते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं,
ये उनको बहुत अलग और बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है, जो कि हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम अपने फेस से तो जानते ही हैं मतलब लोग कि हाँ ये श्रुति राव है अच्छा, लेकिन श्रुति राव को लोग ज़्यादातर उसके काम से जानेंगे, उसके व्यवहार से जानेंगे, जो कि खेसारी जी का बहुत अच्छा है, वो बहुत अलग बनाती है उन सब चीज़ों जी। खेसारी लाल यादव बहुत बिंदास रहते हैं, वैसे ही बिंदास भोजप्रिया है, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और मेरे साथ हैं श्रुति राव, बात हो रही है फिल्म आशिकी की। श्रुति, आपने जोड़ी देखी इसमें, आप हैं ही एक अहम किरदार में, आम्रपाली दुबे पहली बार खेसारी लाल यादव के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं बतौर हीरोइन पूरी फिल्म में, ठीक है, कैसी लगी आपको इन दोनों की केमिस्ट्री, आपको लगता है कि ये एक बढ़िया जोड़ी साबित हो सकती है? मैंने आम्रपाली दी को मैक्सिमम दिनेश सर के साथ देखा है, वो मुझे बहुत ही प्यारे पेयर में लगते हैं, बट जब मैंने आशिकी में देखा तो मुझे टचवुड जो केमिस्ट्री, मतलब अपोजिट है दोनों, लेकिन दोनों ही बहुत प्यारे, मैं दोनों को 200 मार्क्स देना चाहूँगी अगर जोड़ी की बारे बात आए तो, क्योंकि मुझे खेसारी जी के साथ भी आम्रपाली जी अच्छी लगती हैं, आम्रपाली जी बहुत क्यूट है, वो हर किसी के साथ अच्छी लगती हैं, सबके साथ जोड़ी अच्छी लगती है उनकी। वैसे श्रुति, आपने ये कहा कि फिल्म के बारे में आप 200 मार्क्स देना चाहती हैं, अगर मैं आशिकी की बात कर लूँ, बाबा मोशन पिक्चर्स के बैनर तले जो फिल्म बनी हुई है और प्रदीप के शर्मा जी निर्माता हैं, तो कितने स्टार्स श्रुति राव अपनी खुद की फिल्म आशिकी को देना चाहेंगी जो कि रिलीज हो रही है? मैं 4 स्टार देना चाहूँगी और जितने स्टार्स आते हैं सारे देना चाहूँगी, बिकॉज जब ये फिल्म का निर्माण किया था प्रदीप सर ने, इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा सर, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे बैठ के बात की थी, क्योंकि एक फिल्म जब आती है ना तो उसको ऐसा नहीं कि चुटकी में बन जाता है या चुटकी में उसको सेट पे ले जाते हैं, कई महीने से सारी चीज़ों पे डिस्कशन होता है, पेपर वर्क्स होते हैं और म्यूज़िक होता है, सारी चीज़ें लाइक, मतलब जब ये कॉन्सेप्ट लिखा जा रहा था तो मैं इस फिल्म में पहले से फाइनल थी, जो मैंने अपना इसमें अहम किरदार किया है जो कि पैरलर है, तो इसके लिए मैं पहले से फाइनल थी। हाँ, आम्रपाली जी जब आई साइन हुई, वो 3-4 दिन पहले साइन हुई थी, तो उससे पहले भी और काफ़ी लोगों से बातचीत चल रहा था, बिकॉज बहुत ही अलग और बहुत ही वो कॉन्सेप्ट, वो रोल भी मैं करती, बट क्या ना कि वो मेरे को लगा था कि काफ़ी चैलेंज हो जाएगा, हम सीखते 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 चीज़ों को, तो मुझे लगा कि नहीं है, तो क्या ना कि जब प्रदीप सर ने ये फिल्म को जब प्रोड्यूस किया तो इस फिल्म में ना, मतलब जितनी भी भोजपुरी में फिल्म आई है, अलग लेवल का एक पहचान, अभी भी जब हमने ट्रेलर देखा था टचवुड, मैं एक एज अ व्यू बता रही हूँ कि जब मैंने देखा था ट्रेलर तो मैं खुद शॉक हो गई थी, इवन मेरे खुद के स्टाफ, मेरे मेकअप दादा, हेयर दी, मेरे जितने भी लोग हैं, मेरे घर के लोग, सबका ये फीडबैक था, यार ये भोजपुरी लग ही नहीं रहा है, ये साउथ की फिल्म लग रही है। खेसारी जी का जो डबल शेड है वो बहुत अलग है, जो कि इसको बैठ के डिज़ाइन किया गया है। प्रदीप सर की एक खास क्वालिटी ये है ना कि वो कभी भी फिल्म को लेके कभी भी लाइक नॉर्मल तरीके से ये नहीं करते कि नहीं मतलब कुछ भी बना दो या प्रोड्यूस कर दो, उनके बैनर से समझौते नहीं करते, उनकी जितनी भी फिल्म आती है आनंद जी, टचवुड आप देख लीजिए, उनकी सारी फिल्म एक अलग नाम के टाइटल्स होते हैं, राज तिलक, लिट्टी चोखा, आशिकी, सबका बाप, अंगूठा छाप, यही बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद और भी डमरू, तो जो कि सर के बैनर में जितनी फिल्म आई, हालांकि वो तो हिंदी के प्रोड्यूसर हैं, वो भोजपुरी में आके अभी कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हिंदी के लोग भोजपुरी में आके कर रहे हैं, तो सर के बैनर से जितनी भी फिल्में आती हैं ना, एक अलग ही पहचान की आती है, जैसे कि मैं अभी सर के बैनर में ही ये फिल्म कर रही हूँ अफसर बिटिया, जो कि अलग ही टाइटल, अलग ही कॉन्सेप्ट है, हर किसी को चाहिए वैरायटी, और ये वैरायटी ना हर कोई नहीं देता, सर फिल्में करते तो हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन उनकी जो फिल्में आती है 6 महीने पहले से उनका प्रिपरेशन चालू हो जाता है, वरना लोग यहाँ बस स्क्रिप्ट लिख गया, हाँ लिख गया, चलो करते हैं शूट, तो वो छपाई वाला काम नहीं है सर के प्रोडक्शन हाउस में, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो ये आपने सुनी शोमैन कहे जाने वाले प्रदीप शर्मा के बारे में, जो कि निर्माता हैं फिल्म आशिकी के, और बात हो रही है श्रुति राव से। श्रुति, मैं आशिकी की बात कर लेता हूँ, जिस तरह से हमने देखा कल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए तस्वीरें वायरल हो रही थी कि आपकी फिल्म, खेसारी लाल यादव की फिल्म, प्रदीप के शर्मा की फिल्म, पराग पाटिल साहब की फिल्म, आम्रपाली दुबे की फिल्म, कुणाल भैया की फिल्म आशिकी रिलीज हुई है आज, लेकिन पोस्टर्स जैसे कल उसके लगे, लोगों ने उस पर गंगा जल चढ़ाए, उसकी आरती की, खेसारी लाल यादव के पोस्टर को, आप लोगों के पोस्टर को माला चढ़ाई गई, आपको लगता है कि आधी लड़ाई या आधे से कुछ ज्यादा आप लोगों ने ऐसे ही जीत ली है, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो आशिकी के प्रति दीवानगी के पहले से ही साफ हो रहे हैं? इनका प्यार ही तो है हमारे व्यूज का,
कितनी बड़ी बात है कि अगर पोस्टर पे कोई माला चढ़ा रहा है, लाइक उस पे दूध चढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है एक्स वाई जेड. मैंने ये अल्लू अर्जुन जी के साथ ही देखा है. लाइक अल्लू अर्जुन जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. उनके एक्शंस, उनका सब, मतलब लाइक एज अ व्यू मुझे वो शुरू से पसंद है. तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे फिल्म को अभी से ही लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं, बहुत उत्साह है कि नहीं, मतलब फिल्म कब आए और कब देखे. मतलब मैं खुद भी, मैं बता रही हूँ ना, मैं अभी क्या बोलूँ, मैं खुद भी एज अ हीरोइन मैंने उसमें काम किया है, लेकिन मुझे खुद देखने का मन हो रहा है. मैं आज तक अपनी कोई फिल्म नहीं देखी हूँ थिएटर में जाके, बट मेरा इतना एक्साइटमेंट आ रहा है ना अंदर से कि श्रुति जौहर, मैं अभी सेट पे हूँ, मैं जा भी नहीं सकती बिकॉज टाइम का बहुत इशू है. लेकिन टच आउट की अभी से अगर ऐसी चीज़ें जैसा आप बता रहे हो, और मैंने देखा भी, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, कई सारे लोगों ने मुझे टैग किया है, एफबी पे देखा है, कई सारे लोगों ने वहाँ भी टैग किया है, तो बहुत बड़ी बात है, एक अचीवमेंट. तो ऐसा लग रहा है कि हम सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिए, लाइक बस अब रिजल्ट बस आ जाए तो एक अंदर से हो जाए हाँ डन. अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम एग्ज़ाम दे के आते हैं ना. मेरे को याद है जब मैं 10th का एग्ज़ाम दे के आई थी तो मुझे डर लग रहा था कि क्या आएगा रिजल्ट, क्या आएगा मार्क्स देखने के लिए. फेल तो नहीं होंगी मैं, मुझे पता था, बट अभी मुझे ये पता है कि हम लोग की फिल्मों को रिस्पॉन्स तो बहुत तगड़ा वाला मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा बस इसके लिए उत्साह है मन कि जल्दी पता चले. जाने से पहले श्रुति, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक गाना फिल्म आशिकी का आप अपनी, आप गाती बहुत अच्छा हैं क्योंकि मैं फिल्मों में आने से पहले से आपको देख रहा हूँ, आप गाती बहुत अच्छा हैं, आप सिंगर बहुत अच्छी हैं, तो एक गाना हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी नई फिल्म आशिकी का हमारे लिए थोड़ा सा गुनगुना दें. इट्स आवर रिक्वेस्ट मैम. खेसारी जी के साथ मेरा एक गाना था आशिकी में, जो कि बहुत अच्छा नहीं गा पाऊँगी मैं बता देती हूँ. मैं बहुत टाइम से गायकी अभी छोड़ रखी हूँ. गायकी ऐसी चीज़ों की जितना रियाज करो उतना अच्छा रहता है, बट रियाज नहीं कर पाती मैं. तो बहुत ही प्यारा गाना है, ये मेरा खुद का भी फेवरेट है. आशिकी में मेरे कई सारे गाने फेवरेट हैं. तो मेरा गाना आशिकी में खेसारी जी के साथ है. एगो किस दे के लाइफ देगी पीस, तो लड़की है 420. एगो किस दे के लाइफ देगी पीस, तो लड़की है 420. ये स्वाति जी ने गाया है, बहुत प्यारा गाना है ये. और एक और गाना है, मुझे इसका लिरिक्स बहुत अच्छे से याद नहीं है, ललकी टिकुलिया जब सा टेलो ए चान, बहुत प्यारा है. और साड़ी के पलेट लिखा कमरे में खोस लाना, हमारे फिल्म के सारे गाने हिट है. मतलब आप लोग देखिए जाके इंस्टा पे कितने सारे रील्स बने हुए हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हम लोग. बस आप लोग फिल्म को हमारे प्यार दीजिए, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर, हमारे फिल्म के हीरो, हमारी फिल्म की हीरोइन, मतलब हम सभी लोगों ने इतना मेहनत किया इस फिल्म में, पूरी टीम ने इतना मेहनत किया है. इस फिल्म की कहानी को संजोया है राकेश त्रिपाठी जी ने. इसके जितने भी इसमें टीम है ना, जितने लोगों का मेहनत है, ये आप लोग ही दे पाएंगे कि क्या रिव्यू है क्या नहीं है. बिकॉज सब बहुत खुश हैं, सब मतलब काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं आशिकी के लिए. कई सारे रोड़े पे आ गए थे बीच में हमारे कि डेट्स आ रहे थे, बट और भी लोगों को उसी में रिलीज़ करना था तो रिलीज़ नहीं हो पाया, और कोविड का काफ़ी इशू हो गया था. लेकिन फाइनली आज 4 तारीख को हमारी आशिकी फिल्म रिलीज़ हो रही है. आप लोग जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए. आप लोग के प्यार के लिए फिल्म बनी है, और थिएटर के लिए ही फिल्म बनी है, और काफ़ी लोगों ने मेहनत किया है. बस आप लोग जाइए और जल्दी से टैग कीजिए, वीडियोज़ क्लिप्स बना बना के हमारे इंस्टा पे, हमारे एफबी पे हम लोग शेयर करेंगे. तो श्रुति, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच. हमारी शुभकामनाएं आशिकी के लिए हैं. और आप लोगों को फिल्म कैसी लगी थिएटर्स में आप देखने के बाद, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा. हम भी जानना चाहते हैं कि पूरी टीम ने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट डे पर क्या निकलता है. बहुत बहुत शुक्रिया. लखनऊ से आनंद कमलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, बिंदास भोजपुरिया के लिए.